एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान मिक्स प्रश्न का भाग 6, मतलब स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी वीडियो को, स्टैटिक जीके हो चाहे कोई सा भी मैथ्स वगैरह जीके, सभी किसी भी वीडियो को खोल के देखना, आपका एक वीडियो में बहुत सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ध्यान से वीडियो देखा करो, ठीक है। आप क्वेश्चन देखा करो कि एक वीडियो में कितना डाटा कंप्लीट हो रहा है। देखो पहला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक सुधार अधिनियम। ये अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। सिख गुरु एवं उनके कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान की समितियां एवं उनके अध्यक्ष। भूटान की सीमा छूने वाले भारतीय राज्य। हिमाचल प्रदेश में स्थित पर्वती नगर। उत्तराखंड में स्थित पर्वती नगर। मध्य प्रदेश में स्थित पुरातात्विक स्थल के नाम और स्थान के, कौन सा किस जिले में। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं और प्रमुख आयोग एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। अब देखा करो कि हम अगर ये वीडियो कंप्लीट करते हैं तो हमारा कितना सारा जीके कंप्लीट होता है। और आप जितने भी मेरे टॉपिक हैं उनको देखेंगे तो ऐसे ही बहुत सारा डाटा आपका बहुत कम समय में कंप्लीट होता जाएगा। तो बात करते हैं हम सामाजिक सुधार अधिनियम। आप ट्रिक समझो कि जैसे अपन कहते ना किसी का झगड़ा हो गया, ठीक है, और फिर उसको कोई समस्या आ रही तो अपन कहते हैं यार उसका झगड़ा उसकी समस्या हमें क्या करना है, ठीक है। तो बोले शिष दास हिंदू ने ऐसा काम किया कि बेले बेक के ना ले, मतलब वही पापड़ बेले हमें क्या लेना है, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, शिष दास हिंदू ने ऐसा काम किया कि बेले बे कहना ले। अब यहीं पर आंसर कंप्लीट कर देना है। से बना शिशुवध प्रतिबंध, बेले से बने बेले चली, कि शिशुवध प्रतिबंध बेले चली के टाइम पर आया 1798 से 1805। सती प्रथा बेंटिक 1829। दास प्रथा एलेनबरो 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग 1856। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन 1891। शारदा एक्ट इरविन 1930। देखो आपको यहीं पर बोल लेना है कि शिशुवध प्रतिबंध बेले जली के टाइम पर आया 1798 से 1805। सती प्रथा बेंटिक के समय आए 1829। दास प्रथा एलेनबरो के समय 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग 1856। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन 1891। शारदा एक्ट इरविन 1930। आप तो बस मेरे साथ बोलते रहा करो, ठीक है। अब यहाँ पढ़ लो कि शिशुवध प्रतिबंध बेले जली के टाइम पर आया 1798 से 1805 में आया। सती प्रथा बेंटिक के समय 1829। दास प्रथा एलेनबरो 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग 1856। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन 1891। शारदा एक्ट इरविन 1930। आप बस बोलते रहा करो मेरे साथ, ठीक है। अगला प्रश्न बात करना है, बोले सिख गुरु एवं उनके कार। तो आपको ट्रिक कहना है नागहार सिलिखा अग्रम अमृत। ट्रिक पढ़ लिया करो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, नहीं पेपर में जब आएगा ना डायरेक्ट क्वेश्चन तब याद आएगा कि यार सर ने पढ़ाया तो था पर हमने फोकस नहीं किया, फिर आके वीडियो देखोगे, ठीक है। तो कैसे पढ़ोगे, नागहार सिलिखा अग्रम अमृत। एन से बन गया नानक, ए से बनेगा अंगद, जी से बनेगा गोविंद सिंह, एस से बनेगा हरगोविंद, ए से बनेगा अर्जुन देव और आर से बनेगा रामदास। से बन गया सिख धर्म का संस्थापक, मतलब यहीं पर देखो कि नानक सिख धर्म के संस्थापक। ए से बना अंगद और ले से बना लिपि, मतलब अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। जी से बना के गुरु गोविंद सिंह और खा से बना खालसा पंथ के संस्थापक। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। एच से बना के हरगोविंद और ए से बना अकाल तख्त की स्थापना की, अकाल तख्त की स्थापना किसने की, हरगोविंद, ठीक है। ए से बनेगा अर्जुन देव, ठीक है।
ठीक है, ग्रह से बना ग्रंथ और माँ से बना मंदिर, मतलब अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। आर से बनेगा रामदास और अमृत से बनेगा अमृतसर शहर, मतलब रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्या ट्रिक याद रखोगे, नागहार सिलका अग्रम अमृत, नागहार सिलका अग्रम अमृत। नानक सिख धर्म के संस्थापक, अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक, हर गोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना की, अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। जैसे पूरे सिख के गुरु तो हमने इतिहास में टॉपिक पढ़ा है, आप वहां से देख सकते हैं। और ठीक है, ये तो हम स्टैटिक्स जी के पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की समितियां एवं उनके अध्यक्ष, तो केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति, एक ही नाम है ये सब, और इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। संघ संविधान शक्ति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी, विषयक समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूटान की सीमा छूने वाले भारतीय राज्य, तो आपको ऐसे कहना है, बोले भूटान में सब पास हो गए, क्या कहोगे, भूटान में सब पास हो गए, तो पी से बन गया पश्चिम बंगाल, ए से बन गया अरुणाचल, ए से बन गया असम और एस से बन गया सिक्किम। ठीक है, बोले हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पर्वतीय नगर हैं, तो आपको कहना है मनाली, शिमला, सोलन, कुल्लू, डलहौजी, कसौली, मंडी, धर्मशाला। एक बार फिर से चलते हैं, बोले मनाली, शिमला, सोलन, कुल्लू, डलहौजी, कसौली, मंडी, धर्मशाला। आपको पढ़ना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वतीय नगर है, तो मनाली है, शिमला है, सोलन है, कुल्लू है, डलहौजी है, कसौली है, मंडी है, धर्मशाला है। ठीक है, यहां तक। अगला क्वेश्चन देखो कि उत्तराखंड के पर्वतीय नगर कौन कौन से हैं, तो रानीखेत, मसूरी, लेनीताल, लेंसडाउन, भुवाली, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर। रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, लेंसडाउन, भुवाली, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, ये पर्वतीय नगर कहां पर हैं, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, तो रीवा मध्य प्रदेश में जिला है जिसमें त्योंथर है, सीहोर में निन्नौर गांव है, जबलपुर में त्रिपुरी है। रीवा में कौन सा है, त्योंथर, सीहोर में कौन सा है, निन्नौर गांव, जबलपुर में कौन सा है, त्रिपुरी। फिर आपको ट्रिक बोलना है, बोले नापी कटोली खरगोन में, क्या ट्रिक कहोगे, नापी कटोली खरगोन में, ना से बना नावदा टोली, पी से बना पीतरगत पीतनगर, का से बना कसरावत और खरगोन से बना के खरगोन में। ठीक है, अगला ट्रिक पढ़ना है, बोले आंखें खुली होश में, अपन अस्पताल में देखते हैं ना कि आंखें खुल गई मतलब होश आ गया, तो आ से बन गया आदमगढ़, खे से बन गया खेड़ीनामा और होश से बन गया होशंगाबाद और हासी बन जाएगा हथनोरा, के आदमगढ़, खेड़ीनामा, हथनोरा, होशंगाबाद में है। ठीक है, आगे जैसे कई बच्चे उदम मचाते हैं तो उनसे बोलते हैं, बोले जख नहीं मतलब जटकरा खजुराहो में, आपने देखा होगा कई लोगों की धाक जम जाती है, ऊंची दुकान भूखे पकवान को धाक जम गई थी, बोले तो बोले धार में खलघाट और उलाघाट है। अगला बोलना है मदाई, क्या ट्रिक बोलोगे, मदाई, म से बना मंदसौर में, द से बना दसपुर, आ से बना आवरा और ए से बना इंद्रगढ़। दसपुर, आवरा, इंद्रगढ़ कहाँ पर हैं, मंदसौर में हैं। विदिशा में बेसनगर और ग्यारसपुर हैं। ग्वालियर में पवाया है। उज्जैन में कौन कौन से हैं, तो आपको ट्रिक बोलना है, बोले काऊ, ताऊ, नाऊ, जाऊ, डाऊ, क्या बोलोगे, काऊ, ताऊ, नाऊ, जाऊ, डाऊ, का से बना कायथा उज्जैन में है। ठीक है, नहीं लिखा क्या, का से क्या बन गया, कायथा। ठीक है, और उसे क्या बना कि कायथा उज्जैन में है, ये लिखा तो है कायथा उज्जैन में है, और का से ही बन जाएगा कि कलस्पा उज्जैन में है। ता से बना तादौल उज्जैन में है, ना से बना के नागदा उज्जैन में है, और जा से बना जूना एरवास उज्जैन में है, और डा से बना डांगवाला उज्जैन में है।
तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन नदियां। आप ट्रिक समझो पहले, और ट्रिक जैसे ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ही ट्रिक से अपन पढ़ रहे हैं, अरे भाई ट्रिक बहुत सरल है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर ट्रिक याद नहीं है तो उस क्वेश्चन का डाटा याद कर लो, पर क्वेश्चन का आंसर तो याद होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना है कि आप जबरदस्ती ट्रिक याद, और ट्रिक को आप अगर पढ़ोगे तो सरल ही ट्रिक बनी होगी। हम वही ट्रिक लॉन्च करते हैं जो बिल्कुल सरल है और उसमें बहुत सारा डाटा याद हो जाए, ठीक है। जैसे कई लोगों की आदत रहती है, इधर पैसे रख दिए, कहीं फ्रिज के ऊपर रख दिए, कहीं पर्स में रख लिए, कहीं बैग में डाल लिए, कहीं कहीं रख दिए, किताबों में रख दिए, तो मतलब आप पैसे की गड़बड़ तो देखना पड़ेगी। तो आपको कहना है कि आची परा सदा गड़बड़ वित्त की झेले। क्या कहोगे? आची परा सदा गड़बड़ वित्त की झेले। आ से बना आसकिनी, छे से बना चिनाब, प से बना परुषणी, रा से बना रावी, सदा से बना सदानीरा, गड़बड़ से बना गंडक, वित्त से बना वितस्ता, और झेले से बना झेलम। कि आसकिनी चिनाब, परुषणी रावी, सदानीरा गंडक, वितस्ता झेलम। आप देखा करो कि ट्रिक से उत्तर निकला कि नहीं निकला और कितनी जल्दी निकला, ठीक है। आगे क्रूब कुर्रम, ये एक जैसे हैं। क्रूब कुर्रम कुबा काबुल सतुद्री सतलज सॉरी गोमती गोमल सुवस्तु स्वात विपासा व्यास दृश्य धति घग्गर, ठीक है। कैसे पढ़ना है? आस्किनी चिनाब, परुषणी राभी, सदानीरा गंडक, वितस्ता झेलम, क्रोभ कुर्रम कुबा काबुल सतुद्री सतलज गोमती गोमल सुवस्तु स्वाद विपास अभ्यास दृश्य दति गग्गर, ठीक। आप देखना कि आप कितने कम समय में कितना ज्यादा पढ़ लेते हो, बस आप पढ़ते रहो मेरे साथ। एक बार जुड़ जाओ, समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं बताओ, ठीक है। तो आपको ट्रिक समझना है, जैसे घर पर कोई अंकल जी आते हैं और बच्चों से पूछते हैं चलो कोई सी पोएम सुनाओ, तुम्हें क्या याद है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो ट्रिक समझो, बोले तुलसीदास की कविता और गीता ने राम के दोहे विनय को सुनाए। घर पर कौन आए? विनय अंकल आए, ठीक है। तुलसीदास की बच्चियों के नाम मान लिए कविता और गीता, उन्होंने विनय अंकल को राम के दोहे सुना दिए, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई। अब ट्रिक एक बार फिर पढ़ लो कि तुलसीदास की कविता और गीता ने राम के दोहे विनय को सुनाए। तुलसीदास से बना कि हम तुलसीदास की रचना पढ़ रहे हैं, कविता से बना कवितावली, गीता से बना गीतावली, राम से बना रामचरितमानस, दोहा से बना दोहावली, और विनय से बना विनय पत्रिका। देखो आप बहुत कम समय में टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण आयोग, ठीक है। तो उनकी ट्रिक समझो, आप कह रहे हैं जैसे हमने कि कोई बंदा है और उसने कहीं पर माउंट एवरेस्ट वगैरह पे फतह हासिल कर ली, ठीक है। तो ट्रिक समझो, बोले श्री जैन और लिस ने फतह जीटी पर की, श्री जैन और लिस ने फतह जीटी पर की, मुरागो बाबरी के। मुरागो किसके हैं? बोले बाबरी के हैं, ठीक है। तो श्री से बना श्री कृष्ण आयोग और मुंह से बना मुंबई दंगे से संबंधित, श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगे से संबंधित है। जैन से बना जैन आयोग और रा से बना राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ना से बना ननावती आयोग और गो से बना गोधरा कांड से संबंधित है। पहले ट्रिक पे सुन लिया करो और आंसर देखा करो कि हाँ पूरा आंसर निकला। ले से बना लिब्राहन आयोग और बाबरी से बना बाबरी मस्जिद से संबंधित। स से बना सरकारी आयोग और के से बना केंद्र राज संबंध से संबंधित है। फ से बना फुकन आयोग और त से बना तहलका कांड से संबंधित है। ह से बना हंटर आयोग और जी से बना जलिया वाले बाघ हत्याकांड से संबंधित है। और टी से बना ठक्कर आयोग और ई से बना इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। तो यहाँ पढ़ लो एक बार कि श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा, जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड, ननावती आयोग गोत्राकांड, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद, सरकारी आयोग केंद्राज संबंध, फुकन आयोग तहलका कांड, हंटर आयोग जलिया वाला बाघ हत्याकांड, ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड, और हिटले कमीशन श्रम से संबंधित है। दोस्तों 15 मिनट का वीडियो है और बहुत सारा डाटा पढ़ा दिया है, आप बस एक बार पूरा वीडियो कंप्लीट करके और आप ये निष्कर्ष निकालो कि बाय यार हमने कितना कम समय में कितना पढ़ लिया। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी बताया करो कि यार इस चैनल से पढ़ो, पढ़ाई क्या होती है समझो। मिलते फिर कल अगले वीडियो में, धन्यवाद।